राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में एडवोकेट जोगिंदर भारती के साथ पुलिसकर्मियों की ओर से की गई कथित मारपीट और अभद्र व्यवहार से नाराज राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने एक दिन का कार्य बहिष्कार कर पुराना हेरिटेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत जोशी ने बताया है कि हाई कोर्ट में अधिवक्ता जोगिंदर भारती के साथ पुलिसकर्मियों ने अनावश्यक रूप से अभद्र व्यवहार किया और उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का झूठा मुकदमा भी दर्ज किया गया। जोधपुर राजस्थान से संजय असोपा की रिपोर्ट। किया गया हमारे अधिवक्ता साथी जोगेंद्र सिंह परसों रात को 11:15 बजे अपने ऑफिस से घर जा रहे थे तो बनाड़ चौकी में इंचार्ज ईश्वर सिंह और उसके दो साथ पुलिस कांस्टेबल ने हमारे अधिवक्ता साथी को ऑब्स्ट्रक्ट किया और ही वॉज पजेसिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स। डिस्पाइट डेट उन्होंने चालान काटा और एब्यूजिव लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया तो वकील साहब ने कहा भाई मैं वकील हूँ, आप इस तरह से मेरे साथ मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं। चालान काटना तो काट दिया, ऑल राइट, लेकिन इस तरह से आपने जो है एबीजी और गाली गलौज आप कर रहे हो तो वकील साहब ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि मैं आपकी वीडियो बना के कमिश्नर साहब के सामने पेश करूँगा कि आप वकीलों के साथ इस तरह से मिसबिहेव करते हो तो आम जनता के साथ क्या मिसबिहेव किस तरह से करते होंगे। तो उन्होंने क्या है कि मारपीट शुरू कर दी और कहा हमारा वीडियो डिलीट करो, फिर किडनैपिंग के हिसाब से अपनी मोटरसाइकिल में बैठा कर उनको थाने ले गए और थाने ले गए, इलीगल डिटेंशन किया और वहाँ फिर मारपीट की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डीके बसों का जजमेंट है, उसके अंदर पुलिस को किसी भी तरह से क्रिमिनल ऑफेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो वकील है, इवन अरेस्टेड डिटेनी होता है उसके साथ भी फिजिकल वायलेंस करना जो है डेट इज़ एन ऑफेंस, तो इट इज़ ए कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीसीपी साहिबा से मैं निवेदन करता हूँ कि जो दोषी पुलिस कर्मचारी है जिन्होंने जुर्म किया है, कानून हाथ में लिया है और मारपीट की है और कस्टडी में बंद किया है, इलीगल डिटेंशन किया है, उसके लिए अलग से कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जब हमारी 6 घंटे तक FIR दर्ज नहीं की गई, उसके बाद दर्ज की तो झूठा केस बना करके और राज्य कार्य में बाधा का 333 और 332 का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया, 332 और 352। तो इस तरह से जो है एक झूठा मुकदमा बना करके और वकीलों को जो है उसके हमारी प्रेस्टीज को, हमारी अस्मिता को ललकारा है। आप पत्रकार हैं, आप देखते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस और जो पुलिस उनके साथ लगी रहती है रोड के ऊपर मोटरसाइकिल सवारों के पीछे दौड़ती है और पीछे से गाड़ी पकड़ती है। कई केसेज ऐसे आए जिसमें हेड इंजरी हुई है पब्लिक को, पब्लिक के आदमी को जो है फ्रैक्चर हुआ है, ये गलत है। अगर कोई वायोलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल करता है यू शुड टेक द फोटो, आप फोटो लेकर के उसके खिलाफ जो है आप समन भेज सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं।